यहाँ पे देखिए हमें जो ये सेंटेंस दिया है उसके लिए चार ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट ऑप्शन हमारा है काउंसल्ड काउंसल्ड इसका मतलब होता है टू गिव एडवाइस टू गिव एडवाइस देन सेकंड ऑप्शन दैट वी हैव इट इज सजेस्टेड सजेस्टेड का मतलब क्या होता है सजेस्टेड का मतलब होता है टू पुट फॉरवर्ड फॉर कंसीडरेशन टू पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन कंसीडरेशन इसका मतलब होगा कि कुछ सजेस्ट uh, करना प्रपोज करना है ना इस तरह से देन थर्ड दैट वी हैव इट इज persuaded. पर जुए डेट ठीक है पर जुए डेट पर जे डेट का मतलब हो जाएगा टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड अ साउंड रीजन फॉर समथिंग ठीक है एक प्रॉपर रीजन किसी चीज के लिए देना दैट इज पर देन लास्ट दैट वी हैव इट इज प्रपोज प्रपोज इट मीन्स टू पुट फॉरवर्ड टू पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन फॉर मतलब कि कोई प्लान या फिर कोई सजेशन दूसरों के सामने रखना that is proposed, ठीक है अब देखिए हमारा जो सेंटेंस so है उसके अकॉर्डिंग चूज करेंगे आई डैश माई फ्रेंड टू फॉर दाई ट्रिप टू दी सोवी आर गिवन फोर ऑप्शन काउंसिल यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन थ्री है persuaded. वो इसमें सूटेबल रहेगा कि मैंने क्या किया एक अपने फ्रेंड को एक मतलब उसको प्लीड किया है ना फॉर गिविंग मी हिज कारवा ओके तो यहाँ अ साउंड रीजन फॉर समथिंग तो ऑप्शन थ्री जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थैंक यू वेरी मच क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जी मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ सौ पर